हेलो। हेलो बच्चा पार्टी, आ गए सभी? गुड इवनिंग, वेरी वेरी गुड इवनिंग। देखो बाबू, अगर कभी 2-3 मिनट लेट हो जाए ना तो थोड़ा इंतज़ार कर लिया करो, ठीक है? क्योंकि कभी कभी 2-4 मिनट लेट हो जाता है। वैसे तो हमारी कोशिश होती है क्लास टाइम पे हो जाती है, तो ऐसा कभी कभी होता है। चलिए, आप सभी को PBR स्टडी परिवार की तरफ से नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं और माँ का आशीर्वाद आप लोगों पर ऐसा ही बना रहे और आप लोग पढ़ते रहें, बढ़ते रहें और देश के भविष्य को अच्छा बनाएं। आज आप लोग पढ़ेंगे एक नया अध्याय। वैसे अध्याय नहीं, बात करेंगे तो फिलहाल 2.3 अध्याय तो है दूसरा ही, लेकिन उसका एक नया पार्ट आप मान लीजिए, क्योंकि कल 2.2 तक हो गया था। आज आप लोग पढ़ेंगे नया अध्याय। सही बोल रहे हैं ना? आवाज मेरी अच्छी आ रही? कोई आवाज में दिक्कत है तो बता दो। आवाज में कोई परेशानी? बहुत से बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं जिनके कमेंट्स आ रहे हैं, जैसे कि महेंद्र यादव जी जुड़ चुके हैं, अभिषेक कुमार जुड़े हैं, नाभ्या गुप्ता, रोशन मौर्या, सुमन देवी, पलक चौहान, गीता, जितेंद्र और मनीष राज, रवि, खुशबू, कृष्णा कुमार, शुभम पांडे, मनीषा, मोहम्मद तारिक, पवन, रोहित विश्वकर्मा, अमित दुबे, क्यूट बॉय, सूरज यादव, रिशु तिवारी, मुमताज अली और बहुत से तमाम बच्चे जुड़े हैं। सभी का बहुत बहुत वेलकम, ढेर सारा स्वागत। चलिए तो बच्चों, सबसे पहले तो आप लोग क्लास को लाइक और शेयर करोगे बाबू, उसके बाद तभी हम क्लास शुरू करेंगे। हाँ, जल्दी जल्दी से फटाफट दबा के शेयर करो, उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। ये आपका बुक्स है जिसमें आपका NCERT बुक का सिलेबस दिया है। ये NCERT वाली बुकें आप लोगों के पास होंगी वैसे तो। 2.3 खोल लीजिए। चैप्टर कौन सा है? 2.3। देखो बेटा, 2.3 में आपको शेषफल प्रमेय पढ़ना भी जरूरी है। क्या जरूरी है? शेषफल प्रमेय। तो शेषफल प्रमेय आप लोगों को हम पढ़ाएं, उसके पहले हम आप लोगों को भाग देना नहीं सिखा दें, सिखा दें कि नहीं? बेसिक कॉन्सेप्ट है वैसे, जरूरी तो सब है। अगर आप लोग कहो तो मैं सिखा दूं, नहीं तो फिर चलें आगे बढ़ें, वैसे जाने दो। शेषफल प्रमेय सिखा दें आपको, थोड़ा सा बेसिक जरूरी है ना, सही रहेगा ना भैया? तो बेसिक थोड़ा सा जरूरी है, बाकी किताब वाला पढ़ाएंगे। लेकिन बिना आपका बेसिक क्लियर हुए किताब वाले मज़ा नहीं आएगा आपको। तो ठीक है, आप लोगों को बताने चल रहा हूँ, मैं स्टार्ट करता हूँ। ध्यान देना और क्लास छोड़ के ना जाना बेटा, अगर सीखना है तो बिल्कुल भी क्लास छोड़ के ना जाना। अभी क्लास ये शेयर नहीं हुई है, आज अभी शेयर नहीं हुई है, सारे बच्चे नहीं आए हैं। देखिए, आज हम लोग देखेंगे एक कुछ इस तरह के क्वेश्चन। यहाँ पे देखो, क्लास ERT मैथ्स, जैसे जब हम भाग करते हैं किन्हीं भी चार अचर पद को, जैसे मान लो एक क्वेश्चन है, अगर मैं बोलूं कि यक्स का भाग करो यक्स का स्क्वायर प्लस 2x में, तो क्या आप कर लेंगे इसमें? कितने लोग कर लेंगे मुझे यह बताओ, कितने ऐसे लोग हैं जो इसका भाग कर लेंगे? बोलो यस, जो नहीं कर पाएंगे वो बोलेंगे नो। क्या आप इस तरह के भाग को कर लेंगे? क्या आप इनको हल कर सकते हैं? बताइए। हाँ या नहीं? तनवर लाल प्रजापति, सेजल यादव, आप लोग बताइए, कोशिश करिए, क्या आप इन्हें हल कर लेंगे इस तरह के भाग को? फटाफट बताइए, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम इस क्लास को शेयर करेंगे। 2 मिनट आप सभी बच्चे शेयर करेंगे, उसके बाद तब हम बताएंगे। कर लेंगे क्या आप लोग इन भागों को? अगर कर लेंगे तो जल्दी से आंसर बताइए, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, आप लोग क्लास को शेयर कर दो, 100 बच्चे हो जाएं कम से कम, तब क्लास चलाने में मज़ा आती है। मैंने शेयर नहीं किया था आज,
शेयर करवा दिया जाता है दोपहर में, लेकिन आज नहीं हो पाया था, इस वजह से बचवे कम आए हैं। हाँ तो फटाफट शेयर कर दो बाबू। ठीक है सभी कर रहे होंगे ना हमारे जितने साथी हैं, मैं शेयर कर रहा हूँ, सिर्फ 2 मिनट 1 मिनट, तब तक आप लोग इसको हल करो और मुझे इसका जवाब बताओ। तब तक मैं क्वेश्चन पूछा हूँ, आप लोग पढ़े लिखे हो, समझदार हो सभी। ठीक है ओके। देखो एक मैं और पूछ लेता हूँ, तब तक आप लोग मुझे बताओ। अगर यक्स का स्क्वायर -1 है, नीचे यक्स -1 है, इसका आंसर कितना आएगा? अगर आप लोग कर लेंगे तो बताइए मुझे, जवाब दीजिए फटाफट। चलिए फटाफट बताइए, मैं सबका कमेंट्स देखने की कोशिश करूँगा। मैंने 3 क्वेश्चन पूछा है और आपको टाइम दिया है 5 मिनट का, क्योंकि 5 मिनट में क्लास को शेयर करूँगा और आप लोग भी शेयर कर दो 5 मिनट में। ठीक है ना बाबू? तो 5 मिनट में क्लास को शेयर करूँगा, आप लोग भी 5 मिनट शेयर कर दो, उसके बाद तब आगे बढ़ते हैं। जो परेशान है वो क्वेश्चन दिया गया इनको हल करके मुझे आंसर बताएं। जो बहुत बड़े खिलाड़ी हैं वो फटाफट हल करें और मुझे इसका आंसर कमेंट करें कि हाँ इसका आंसर ये होगा। इनमें से कोई ना कोई तो आप हल ही कर लोगे, अब इतने बड़े गधे तो हो नहीं भैया, काफी अच्छे बच्चे हो आप लोग। चलिए ठीक है, बहुत अच्छे बच्चे, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे। शंकर राय, ऋतिक सिंह, ठीक है भाई ऋतिक, अंकित और एनिमन, प्रांजल, नाभ्या, विपिन, मनोज, दीप, जोगना, बिरुली, महेंद्र। मैंने क्वेश्चन पूछा है, बताओ स्क्रीन पे है, जल्दी करिए फटाफट बताइए, फिर हम आगे बढ़ते, बस आधा मिनट और बचा है। पवन कुमार, बच्चा देखो क्या करूं ये बताओ, 9 बजे के बाद तो तुम सो भी जाओगे, तुम्हारे यहाँ लाइट नहीं आती है, हम मानते हैं तुम्हारे यहाँ समस्या है, लेकिन 9 बजे के बाद सब सो जाते हैं, तो मैं इनके लिए क्या करूँगा। लाइट नहीं आती है तो चलाओ काम यार, टॉर्च वगैरह जला के क्या करोगे। हम लोग तो डिबरी जला के पढ़ते थे, मिट्टी का तेल डाल के 11 रुपया लीटर मिलता था, पेट्रोल तब 30 रुपया, वो सॉरी 30 नहीं, शायद डीजल 30 मिलता था, पेट्रोल 40 वाले के लगभग मिलता आज के 12 साल पहले, समझ रहे हो ना कितना अच्छा था ना वो। हाँ 9 बजे क्लास होगी, 9 बजे बेसिक वाली होगी। तो सभी कर लिए इसका आंसर? इसका आंसर तो भाई सिंपल सा है, आप देखो इसको पहले बता दूंगा फिर मैं उसको बताऊंगा, आज बिल्कुल बेसिक बता रहा हूँ, ये कोई प्रश्नावली में नहीं है, ये आपका एक्सरसाइज 2.3 पढ़ने के लिए जरूरी है। अगर ये नहीं आएगा तो फिर आपको उसमें समस्या हो सकती है। देखो बच्चा इसको हम ऐसे लिख सकता हूँ, इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर ये बन जाएगा, तो ये आपका माइनस माइनस वाला कट जाएगा, एक्स प्लस वन इसका आंसर आएगा, समझ में आया ना? चलो हो गया तो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। 12 13 ग्रुप, देखो 25 30 ग्रुप है भाई, सब में भेजना पड़ता मुझे। हाँ समझ में आया सभी को, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? चले आगे बढ़ें, कोई परेशानी है तो बता देना, बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, मस्त चल रहा ना सब कुछ, कोई दिक्कत परेशानी नहीं ना। चलो
अनन्या झा, तकी, ठीक है। तो ये हो गया। अब ऊपर वाले के बारे में हम बात करते हैं थोड़ा डिटेल में, क्योंकि आपको ये भाग बहुत जरूरी है ना बच्चों। अगर हम आपको बोलें कि 12 में आप 4 का भाग करो, मैं लिख रहा हूँ, मिटाने दो, लिख रहा हूँ, तो 12 में 4 का भाग आप आसानी से कर ले जाओगे, सभी कर लोगे। लेकिन ये जो कहानी है, यक्ष का पहाड़ा किसको याद है? भैया कहोगे यार 4 6 8 का पहाड़ा तो याद है नहीं होता, एक्स वाई का पहाड़ा किसे याद है? तो ये भी पहाड़ा आपको याद करना पड़ता है। देखो, जैसे मान लो मैंने बीच में लाइन खींच दिया, इधर साइड में आपको बोलूं भैया यक्स का भाग करो और यक्स का घात 4 आ जाए, एकदम जीरो लेवल से पढ़ाऊंगा इसको, बेसिक समझ लो। तो देखो बच्चा, जैसे इसको करते हैं बाबू, ये मान लो 12 में 4 का भाग करा, तो हम यही तो करते हैं कि 4 का पहाड़ा पढ़ो 12 आ जाए। तो आप कहोगे गुरु जी 4 का तो पहाड़ा होता है, ठीक है हम पढ़ लेंगे, लेकिन ये बताओ काहे को चूतिया बना रहे हो, ये यक्ष का पहाड़ा कहाँ होता है? तो यक्ष का पहाड़ा भी होता है, जैसे आप चर अचर का जानते हो ना, मतलब गिनतियों का कर लेते हो ना, वैसे उसका भी होता है। रुको बता रहा हूँ, 1 मिनट, कोई आंसर बताएगा इसका? भाई बहुत आसान है ये, बहुत आसान है, जरूरी है सीखना। अगर मैं डायरेक्ट आंसर बता दूंगा तो बहुत से बच्चे इसमें गिर जाएंगे। रिसु का आंसर सबसे पहले आ गया, सॉरी रेसु, ठीक है रेसु जी, बहुत बहुत थैंक यू। और कोई? रसीदुल सलाम सलाम, चलो देखिए, 4 का पहाड़ पढ़ के हमें 12 लाना है, यानी इसका कहने का ये मतलब है कि हम 4 में किसी ऐसी गिनती से गुणा करें कि 12 आ जाए, यही मतलब होता है ना। लेकिन हमें वो गिनती नहीं पता है, हमें ना पता है कि वो 4 में किससे गुणा करें कि 12 आ जाए। तो हम एक काम करते हैं, हम मान लेते हैं कि वो गिनती ए है, ठीक है, हम मान लेते हैं कि 4 में अगर ए से गुणा कर देंगे तो 12 आ जाएगा। लेकिन हम मानने से ही सब काम चलेगा नहीं, कि मान लो हम प्रधानमंत्री हैं, हाँ शाम को घर में दाल भी नहीं खाने, प्रधानमंत्री तो पता नहीं कहाँ खाते हैं, भगवान जाने। तो इधर देखो, लेकिन आप खाना बाद में, मान तो लिया मैंने ए, लेकिन अभी ए का मान निकालेंगे, कैसे निकलेगा? देखो ए बराबर, ये 12 इधर ऐसे है तो ऐसे ही रहेगा, ये 4 इधर मल्टीपल में है, इधर जाएगा भाग में हो जाएगा। ये तरीका बता रहा हूँ जिसको कुछ नहीं आता है, यानी ए का मान क्या होगा? 3। अब हम ये कह सकते हैं बड़े ही प्यार से बच्चा, कि हम 4 में अगर 3 का गुणा करें तो 12 हो जाएगा। यानी ये उनके लिए था जिनको पहाड़ा वहाड़ा नहीं आता है, इसमें मैंने कहीं पहाड़ा पढ़ा नहीं पढ़ा ना, यानी 4 का 3 में मल्टीपल करेंगे तो 12 आ जाएगा, ये यहाँ से निकल गया। बोलो सबको समझ में आया ना? आया ना समझ में? तो इसी तरह से बच्चा, ये 3 ऊपर जाएगा, यहाँ पर 12 आ जाएगा, घटाओगे 0 आएगा। अब हमें यहाँ पर, हमने माना था कि मुझे 4 का पहाड़ा नहीं आता है, तो मैंने पहाड़ा इस तरह से बनाया था, वैसे यहाँ भी करोगे बच्चा, समझ लो एकदम 0 से, यानी यक्ष है ना, हमें ये खोजना है कि यक्ष से हम किसी गिनती में गुणा कर दें कि यक्ष घात 4 आ जाए। और जब मैंने चार अचर बताया था बेटा, बहुपद पढ़ाया था स्टार्टिंग में, तब मैंने ये चीज़ तुम्हें बताया था कि इसका बेसिक गुणा उड़ा क्या होता है, बताया था ना। आपको पता है कि गुणा करने पे घातें जुड़ जाती हैं, तो बच्चा यहाँ पे घात 1 है, तो हम जो पाएंगे लाना जो है, यक्ष की घात 4 लाना है। तो अब यक्ष की घात 1 है, गुणा करने पे घात जुड़ जाती है, हमें यक्ष ही लाना है, अकेले यक्ष लाना है, यानी हमें इसमें गुणा तो 1 से ही करना है, 1 से, क्योंकि हमें वही गिनती फिर लानी है, कुछ बदलना नहीं। लेकिन इसकी घात 4 लानी है। घात कब बढ़ेगी बेटा? जब समान हर वाले पदों को आपस में गुणा करते हैं चरों को, तो घातें जुड़ जाती हैं, यानी इसी के हर, यानी यक्ष में ऐसे 1 यक्ष और घात 3, क्योंकि तो भाई 3 और 1 4 हो जाएगा ना, ये आपका हो गया आंसर। लेकिन आप कहोगे यार ये तो मज़ा नहीं आई, पता नहीं क्या क्या बोल दिया, कुछ समझ में नहीं आया, कुछ पल्ले ही नहीं पड़ा। अब मुझे भी पता है तुम्हें नहीं समझ में आया। देखो हमें नहीं पता है कि यहाँ पर हम गुणा किससे करें, तो हम मान लेते हैं चलो हम बी से गुणा करते,
इससे हमने मान लिया कि हमें नहीं पता इस पे किससे गुणा करें, जो मैंने निकाला था हम बी मान लिए। अब बी का मान निकाल लो बेटा, ये एक्स की घात 4, एक्स इधर जाएगा भाग में हो जाएगा, फाइनल में आप डीटीएल में करोगे, एक्स की घात 4 का यही मतलब होता है, इसके अलावा कुछ नहीं होता है। यहाँ से 3 0, 1x से 1x कट गया बेटा, किनारे किनारे से काटो चाहे बीच में काट दो, 3x बचे हैं, x की घात 3 आंसर आ गया। कितना आ गया? x की घात 3। विशाल यादव समझ में आ रहा है? देखो भाई आप क्लास को लाइक करो बाबू, ऐसे मजा नहीं आ रही जान लो, बिल्कुल भी दिल से बोल रहा हूँ मजा नहीं आ रही। मैं जीरो लेवल से पढ़ा रहा हूँ एकदम शुरू से, जिनको नहीं समझ में आता है ना बिल्कुल समझ में आएगा, पूरी गारंटी है मेरी, 100% गारंटी है ना, एक अक्षर कम ना एक अक्षर ज्यादा, ठीक है। यानी यक्ष की घात कितना आ गया बेटा? 3 आ गया। अब हम ऊपर कितना ले जाएंगे? यक्ष घात 3, और यहाँ पर आ जाएगा यक्ष घात 4, घटाओगे 0, ये हो गया भागफल जो आया कोएफिशिएंट एक्स का क्यूब आया। अब मुझे ये बताओ इसमें से कितने लोग हैं जो इसे कर लेंगे इस तरह का, कितने खिलाड़ी हैं जो कर लेंगे? ए चचा इधर आवा बताओ, चला देखा इधर, पहले इसको देखो फिर इसको देखो। कोई चीज अगर खराब है मतलब कड़वी है या अच्छी नहीं है, किसी को खिलाना है ना, तो पहले उसे मीठा खिलाओ, मीठा खाने के लिए मुंह खोलेगा ना, मीठा खाने के बाद उसे कड़वा भी ठूंस दो, वो भी खा लेगा। देखे हो कि नहीं, पहले हम लोग जब घर पे रहते थे ना तो वो गाय वाय बीमार हो जाती थी, भैंस वगैरह, तो उसको दवाई खिलाई जाती थी, गोली रोटी में रख करके, तब उसके बुखार उखार आता था तो उसको पहले 2-3-4-5 रोटी खिलाई जाती थी, तब अलग से उसमें कुछ भी नहीं रहता था, फिर बाद में दवाई भी खिला दी जाती थी, खा लेती थी और ठीक हो जाती थी। लेकिन अगर अकेले उसको ले जाके गोली 2 गोले ले कैप्सूल खा ले, खाएगी वो मारेगी भाग आओगे, समझ रहे हो ना। तो वैसे हम ये क्यों बता रहे हैं? क्योंकि तुम्हें ये नहीं आता है तो मैं ये बता रहा हूँ, इसको जानते हो ये मीठा है और इसको सीख जाओगे तो इसको कर लोगे, है ना, अच्छी बात। तो चलो देखो इधर साइड में, इधर साइड में देखो ध्यान से, अब बहुत ही ध्यान से समझना मैं क्या बताने वाला हूँ, ऐसे छोटी चीज नहीं बता रहा हूँ, ये बहुत बड़ी चीज है बेटा, समझ लो। यहाँ पे बिल्कुल जीरो से पढ़ा रहा हूँ, फिर ये मत कहना कि मुझे नहीं समझ में आया, वैसे इसे मुझे यहाँ नहीं पढ़ाना चाहिए, ये जीरो लेवल है, ये जीरो लेवल मैथ है, लेकिन आपके 2.3 एक्सरसाइज का हिस्सा है ये आपके 2.3 का हिस्सा है। जैसे हमें 3x घात 5 लाना है और x का स्क्वायर से गुणा करना है, अब मुझे बताओ ये कितना बार जाएगा, कोई बताएगा? बहुत ज़्यादा नहीं, इसको एक्सप्लेन करूँगा मैं, ख़त्म करने वाला हूँ, पता नहीं कौन डंडा कर रहा है, रुक जा। समझ में आ रहा ना भैया? मेहताज राजा कविता आ रहा समझ में? चलो बताओ। अच्छा इसका आंसर जो बता देगा हम जान लेंगे वो बच्चे तेज हैं। और हाँ एक चीज़ और देखो बाबू, आपका जो पहला बैच इसके पहले चल रहा था उसमें 6 चैप्टर खत्म हो गया है, 7वां चैप्टर शुरू होगा कल से, तो जिन बच्चों को कक्षा 9 का 7वां चैप्टर पढ़ना है वो कल सुबह 7 बजे से जुड़ेंगे। जिनको कक्षा 9 का 7वां चैप्टर पढ़ना है, त्रिभुज पढ़ना है, वो सुबह 7 बजे जुड़ेंगे। कितना बजे? सुबह 7 बजे। देखो जिनको आ रहा है वो बिल्कुल थोड़ा सबर बना के रखेंगे, अपच नहीं होगी। जिनको आ रहा है थोड़ा सबर बनाना अंदर से, हाँ एक और कर लेना तब तक, ज़्यादा उचाट पड़ रहा है तो इसको भी कर लेना, चलो इसको भी कर लेना जिनको आ रहा है तब तक, हम नहीं पाओगे तो इसको भी चलो करो। तो देखो अब मान लो हमें इसमें भाग करना है, अब हमें ये नहीं पता कि इसमें भाग कितनी बार जाएगा, क्योंकि हमें 12 का पारा नहीं आता है, हमें 12 का टेबल नहीं आता है, तो हम क्या कर सकते हैं जरा सोचो। इसका सबसे पहले आंसर जो दिया था भैया, सबसे बड़े खिलाड़ी इसमें कौन है, वो उनका नाम है मदन गौतम, अनन्या झा और केशव कुमार, इन लोगों ने सबसे पहले इसे हल किया था, लेकिन सबका सही नहीं है, कुछ लोगों का है बस। तो देखो बच्चा इसका मतलब ये है, अरे पहले पूरा समझो, एक्चुअली ये सूत्र होता है एक, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल
सर कहाँ तक दिखेगा? दिख जाएगा ना, धन शेष। ये फार्मूला होता बच्चा, तो इसी फार्मूले को हम अप्लाई करते हैं, समझना। लेकिन ये फार्मूला का अप्लाई तब होगा जब पूरा सब कुछ पता रहेगा कि ना अप्लाई होगा इसमें, इसमें अभी ऐसे अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। इसमें कोनो मॉडरेटर नहीं बना है का? विपिन कुमार, चलो ठीक है, इनको सबको मारो तो भाई, भगाओ दूध, थप्पड़ मार मार। तो देखो, तो देखो बच्चा क्या करते हैं, एक छोटा सा कहानी मैंने पहले बताया था, जैसे अगर हम ऐसे भाग करें 18 में 3 का, तो 3 × 6 = 18 ना, तो तुम्हें ये पता है कि भाजक से भागफल में गुणा करें तो भाज्य आ जाता है, मतलब जिसमें भाग करना है। ये तब होता है जब जीरो शेषफल आए, तो जब शेषफल जीरो आए तब भाजक का भागफल में गुणा करने पर, इसे इंग्लिश में डिवाइजर बोलते हैं, इसे डिविडियंड बोलते हैं, इसे क्वेशियंट बोलते हैं, इसे रिमाइंडर बोलते हैं। जब शेषफल जीरो हो तब इन दोनों का गुणा करने पर ही आ जाना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में ऊपर भी हम करेंगे, शेषफल तो जीरो होगा ये तो पता है, शेषफल तो जीरो होगा ये तो पता है, ये सूत्र बाद में देखना, ये सूत्र को बाद में देखना। चलो अब कितनी बार भाग जाएगा यहाँ से क्लियर करो, 12 का अगर हम गुणा करें किसी ऐसी गिनती में कि 840 आ जाए, सोचो सोचो कि किसका मल्टीपल करें इतना आ जाए। हमें नहीं पता है क्योंकि हमें टेबल भी नहीं आता 12 का, और पता भी नहीं कैसे करें, तो हम इस पे मान लेते हैं, कुछ भी मान लो, कुछ भी मान लो। इस पे हमने मान लिया कि चलो हम ए मान लेते हैं बेटा, क्या ए। अब यहाँ से ए का वैल्यू निकाल लेते हैं, ये 840 और ये 12 इधर मल्टीपल में है, गुणा में है, दूसरी साइड में जाएगा तो भाग में हो जाएगा, इसके नीचे आके सट जाएगा, बस ये आ गया, काम खत्म। अब इनको क्या करेंगे, इनको काटेंगे थोड़े थोड़ा। अब कहोगे टेबल तो आता नहीं तो कटेगा कैसे, टेबल तो आता नहीं कटेगा कैसे, तो देखो बच्चा इनको काटने का बहुत तरीका है। अगर तुम्हें कोई मोटा सामान काटना है, तुम्हारे पास मोटा औजार नहीं है, तो क्या करोगे, फुटकैन से काटो, देर लगेगी, बस कटेगा तो है ही। हाँ तो टेबल अगर आता है तो तुम एक बार में काट सकते हो, 12 × 7 = 84 = 70 आएगा। जिनको टेबल नहीं आता वो ये कर सकते हैं, धीरे धीरे सीखेंगे ऐसे, पहले 2 से काटो, 2 से भाग करो, 2 × 6 = 12, 2 × 4 = 8, 2 × 2 = 4, 420 आया, 420/6 आया, फिर 2 से काटोगे, फिर 2 से काटोगे, फिर 3 से काटोगे, सब खत्म होगा। हाँ समझ रहे हो ना सभी, तो 70 आएगा बेटा, कितना आएगा 70, इस तरह से एक अमान कितना आ गया 70, यानी जो भागफल ऊपर आएगा वो क्या आएगा, 70 आएगा, क्या आएगा भाई साहब, 70 आएगा बाबू, 70 आएगा, क्लियर। तो उसी तरह से यहां भी हम करेंगे, इसके लिए इसको तो बाद में अभी बताऊंगा, थोड़ा सा रुक जाओ 2 सेकंड। क्या मेरी आवाज में कुछ दिक्कत है, आवाज में कुछ दिक्कत है क्या, समझो। अब इसमें हमें क्या लाना है, 3x^5 लाना है, बहुत से बच्चों को तो पता है लेकिन कुछ लोगों को नहीं पता है, तो समझ लो बेटा, यहाँ पे समझ लो, हमें x^2 में किसी ऐसी गिनती से गुणा करना है कि 3x^5 आ जाए, लेकिन हमें ये नहीं पता किससे गुणा करना है, तो हम इस पे कुछ मान लेते हैं, कोई ए बी सी डी कुछ भी मान लेते हैं। तो इस पे मान लो कि बी से गुणा करना है, बी मान लिया, तो बी बराबर क्या हो जाएगा भैया, ये 3x^5 ऐसे रहेगा, ये यक्स का स्क्वायर जो है इधर आके भाग में हो जाएगा, ये ऐसे। देखो बच्चा रात के 9 बजे से मैं 0 लेवल पढ़ाता हूँ, अब जिनको इतना भी नहीं आता कि ये कैसे हो रहा है ना, तुम्हें 0 लेवल पढ़ने की ज़रूरत है बच्चा रात के 9 बजे से, ठीक है, बेसिक मैथ, क्योंकि ये कक्षा 6 में तुम्हें पढ़ाया जाता है, कक्षा 5 में पढ़ाया जाता है। अब मैं इसके नीचे नहीं गिरने वाला हूँ, इसके ऊपर ही चलेंगे, वैसे इसको बताना भी नहीं था मुझे, आपका एक्सरसाइज शुरू करना था, फिर भी मुझे थोड़ा तरस आ गई इन गधों पर जो नहीं पढ़ते उन पे।
ये क्या होगा पता है, 3s घात 5 माइनस 2, क्योंकि भाग करने पे घाते घट जाती हैं अगर हर समान हो। अगर हर समान हो तो भाग करने पे घाते घट जाती हैं बच्चा, ठीक है। तो 3s घात 3 आएगा और ये आंसर हो जाएगा, शेषफल 0 आएगा। समझ में आया सभी को तो बोलो यस, नहीं समझ में आया तो बोलो नो। आंसर अहमद, बेटा देखो यहाँ पे कोई प्रकार की इंक्वायरी नहीं करना है, व्हाट्सअप यादव, यादव लोग वैसे भी नहीं पढ़ते हैं, हम भी नहीं पढ़ते थे बचपन में, करी गाली वाली मत देना, हम भी यादव ही हैं, ऐसे बोल रहे हैं, यादव लोग बड़े आरामी होते हैं इसलिए, ठीक ना। चलो ये लिख लिए, नोट कर लो जल्दी से, आगे बढ़े फिर। आया समझ में तो किताब वाले में चलें, किताब वाले में चलें। अब अभी नहीं, अभी ये तो थोड़ा थोड़ा बढ़ रहे हैं आगे, अब थोड़ा इसका और लांग वाला समझ लो, क्योंकि आपको शेषफल परिमेय कल सिखाना है, इसलिए मैं इसे बता देता हूँ। शेषफल परिमेय कल बताना है, शेषफल परिमेय यार मुझे हिंदी में समझ में नहीं आ रहा है, इंग्लिश में बताऊंगा तो समझोगे नहीं। हाँ कैसे करूँ, एक और बता देते हैं इसका बेसिक, आज मेरा मन ही कर रहा है आपको बताने का, तो बात की देखा जाए। चलो ये x का स्क्वायर ही है, ये 4x घात 5 प्लस ये 8x और प्लस ये मान लो कुछ, मान लो का मान लें, अभी एक एक पद बढ़ाओ नहीं ज़्यादा हो जाएगा। चलो इतने में गुणा करो कैसे होगा, सोचो जरा बताओ, सोचो और बताओ ये कितना बार जाएगा, कोई बता लेगा इसमें, हाथ उठाओ फटाफट, हाथ उठाओ, अरे हाथ नहीं उठाओ, खोपड़िए हिला दो कि हाँ कर लेंगे, कुछ तो करो। भाई एक आध बार कमेंट कर लेने दो, इच्छा पूरी कर लेने दो, काहे को सबको डिलीट कर दे रहे हो, अरे थोड़ा थोड़ा तो इन लोग को मजा ले लेने दो ना, इतना ज्यादा कड़ाई में ना रखो कि ये भाग जाए, हाँ पानी पीने चले जाए। देखिए मैं बता रहा हूँ, मैंने तो थोड़ा ढील दिया कि देखें कौन कौन बताता है, इसमें एक ही पद में नहीं आएगा बेटा, एक ही पद में नहीं आएगा, उत्तर भी दो पद में आएगा इसमें, जैसे क्वेश्चन है ना वैसे आंसर भी आएगा, समझना थोड़ा सा। चमक कुछ ज़्यादा है या मेरा चश्मा गंदा है भाई, बात क्या है, वजह क्या है, एक मिनट मुझे देखने दो, वजह क्या है, मुझे देखने दो, वजह क्या है। देखिए यहां से समझना, जैसे कोई बड़ी भाग करते हैं तो हम दो पार्ट में करते हैं ना, वैसे इसको भी हमें दो बार में करना है, ठीक है, दो बार में करना है, बीच में एक चिन्ह भी आएगा इसमें प्लस का, बीच में प्लस का चिन्ह आएगा, समझना। यहाँ पे जैसे हमें क्या करना है, पहले यक्स स्क्वायर का गुणा करना है बच्चा, और हमें पहली बार में 4x का पावर 5 लाना है, समझना क्या लाना है, 4x का पावर 5 लाना है। तो हम एक काम करते हैं, सबसे पहले तो हमें 4 लाना है और इधर 4 नहीं है, तो हम पहले तो 4 से मल्टीपल कर देंगे, यानी अब हमें 4x का स्क्वायर मिल सकता है यहाँ पे, लेकिन अभी यहाँ पर घाते कम हैं, हमें यहाँ पर 3 घात और लानी है क्योंकि हमारे पास 2 घात हैं, तो हम यक्स का क्यूब भी मिला लेंगे इसमें, ये इतना से गुणा करेंगे, समझ रहे हो ना, तो ये 4x का क्यूब जाएगा ऊपर बेटा बच्चा, तो ये 4x का घात 5 हो जाएगा, जैसे देखे ना कोलू गन्ना डालते हैं तो रफ निकलता है, देखे हो कि नहीं, सरसों का जहाँ पेराई होती है, जो तुम लोग कहते हो ना कुछ तेल पेराने जा रहे हैं, हम लोग जब जाते थे तो यही बोलते थे, आटा पिसाने जाएं, वो सॉरी फिर आटा बोला ना, देखो आदत होती, गेहूँ पिसाने जाए तो कहते हैं आटा पिसाने जा रहे हैं, भाई आटा नहीं पिसाया जाता है,
तेल भी नहीं पेराया जाता है, रियल में सरसों पिसाई पेराई जाती है, आटा को पीसा जाता है, ओ सॉरी गेहूं को पीसा जाता है। तो वैसे क्या यहाँ पे इनको क्या करते हैं, इनको इसमें अप्लाई करते हैं, मतलब मान लो कि कोलू है, सरसों डाल रहे हो तो तेल निकल रहा है, तो ये क्या है, सरसों हो गया तुम्हारा, ये तेल हो गया ऑयल। वैसे भी आजकल बड़ा महंगा चल रहा है ना, ठीक है फिलहाल राष्ट्र का निर्माण हो रहा है, अच्छा चल ये ठीक है। अब ऊपर जो बचता है ना बच्चा, ये दूसरे वाले बगल के पड़ोसी, ये पड़ोसी मारे जलन के नीचे आ जाते हैं बगल में। अब देखो इनके खोपड़ी पे को घात ना है ना, चुरकी ना है ना, ए बे रुक जा भाई, ये डिस्चार्ज हो गया भाई, एक मिनट मैं सिस्टम चार्ज में लगा देता हूँ, थोड़ा सा रुकना, काफी देर से यूज हो रहा है ये, इस वजह से ये डिस्टर्ब हो रहा है। अब थोड़ी आवाज भी मेरी फट रही होगी, मतलब आवाज जो है फटी फटी सी लग रही है क्या हा? चलो देखो, तो देखो बच्चा अब हमें क्या करना है, x का स्क्वायर में किसी ऐसे नंबर का गुणा करना है कि 8x आ जाए, क्या आ जाए, 8x आ जाए, जरा समझना। तो देखिए थोड़ा सा क्लियर आप लोग यहाँ पे कर लो कैसे क्या होगा, आवाज सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें 8 लाना है, इसलिए इसमें 8 ले जाएंगे, ठीक है, इतना तो ठीक है। लेकिन बच्चा ये गुणा करने पे 8x का स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, तो हमें स्क्वायर नहीं लाना है, एक घात और कम लाना है, तो हम 1x से इसको भाग भी कर देंगे, ये रियल की कहानी है। अब यहाँ से जब ये कटे पिटेगा तो 8x आएगा, यानी हमारा जो ऊपर जाएगा बच्चा वो 8/x जाएगा, और फाइनल में नीचे 8x आएगा, ये सही आंसर है, ये क्या है, ये सही आंसर है, समझ में आया ना, ये थोड़ा कम समझ में आया होगा, अगर आपने कक्षा 6-7 में अच्छे से नहीं पढ़ा है, 6-7-8 में, तो ये 9 में समझ में इसलिए नहीं आ रहा है, आपको बेसिक सीखने की ज़रूरत है बाबू, रात 9 बजे से बेसिक होता चैनल पे, ठीक है भाई, मदन गौतम, यस के सिंघम, रवि, आनंद तिवारी फिटनेस, विशाल यादव, रोशन, प्रिंस, सबको समझ में आ रहा है ना, आ रहा हो लल्लू, आओ फिर इधर देखो। तो शेषफल परिमेय मैं आज ही पढ़ा दूं कि कल पढ़ाऊं, शेषफल परिमेय आज ही पढ़ा दूं कि कल, आज नहीं हो पाएगा कल, अच्छा चल रहा है ना, ये बहुत ही बेसिक चीज है जो सिखा रहा हूँ। अच्छा मैं इसमें थोड़ा सा और बता देता हूँ आज, क्योंकि ये कहानी तो लंबी है, मजा नहीं आ रही एक चीज में, इसको बदलो, हटाओ इसको, देखिए समझिए यहाँ पे थोड़ा सा और समझना, जैसे जब दो पद वाला हो जाता है तब कैसे करते हैं, तब भारी मुसीबत होती है, सोचो। एक टी आपके किताब में दिया है, x प्लस वन है, यक्स का क्यूब है, 3x का क्यूब है, यक्स का क्यूब है, 3x का क्यूब है, ए बाई स्क्वायर है, -5 -x और +5, समझना। अब ये बताओ मुझे इसमें इसका भाग कितना बार जाएगा, जरा सोचो और बताओ, मैंने लोग कर लेंगे ईमानदारी से, हाथ उठाओ लाइक करो, जहाँ हाथ उठाने का मतलब तुम कमेंट करो और लाइक करो, वहां पे तुम अपना हाथ क्या पैर भी उठा लोगे तो हम नहीं देख रहे, क्योंकि कुछ लोग बड़ी गंदी सिचुएशन में बैठे हैं इसलिए नहीं देख रहे हैं, बेइज्जती हो जाएगी उनकी। अब जो जो ऐसे हैं मुझे पता है, जैसे मनोज, आनंद, संकेत कुमार, ये सब ऐसे ही। देखो समझो यहाँ पे, ये आपका
शेषफल प्रमेय का एक एग्जाम्पल है, बहुत ही अच्छा है, सुंदर सा है, क्यूट सा है। चले आगे। तो बच्चा अब समझना इसमें एक एक स्टेप, हम इसमें पहला बराबर करने की कोशिश करेंगे, एक पद बराबर करने की कोशिश करेंगे, बाकी चाहे जहां जाए उससे नहीं मतलब है। जैसे देखो हम लोग जब बाइक चलाते हैं ना या साइकिल चलाते हैं ना, तो अगला चक्का संभालते हैं कि अगला पहिया ना गड्ढा हम कूदे, पिछला से नहीं मतलब होता है, पिछला कूदे उसके पीछे पीछे जाता है। बोलो ऐसे होता है ना, जब हम लोग बाइक चलाते हैं या साइकिल चलाते हैं तो उसका अगला चक्का वाला में तो हैंडल रहता है ना, ऐसे ऐसे करते हैं ना, वैसे इसमें भी अगला चक्का को संभालना है, मतलब इसको संभालना है, इधर वाला चाहे जहां जाए पीछे पीछे आएगा। समझो कैसे? देखो बच्चा हमें यक्स का क्यूब लाना है, यक्स का क्यूब लाना है, तो हम यही देखेंगे कि यक्स में किससे गुणा करें, एक्स में किससे गुणा करें कि यक्स का क्यूब आ जाए, बताओ। यक्स में यक्स का स्क्वायर से मल्टीपल करेंगे बाबू, तो यक्स का क्यूब आ जाएगा, ये सबको पता है। अरे आप लोगों को तो पता है ना, है ना पता? तो यक्स का हम स्क्वायर ऊपर ले जाएंगे पहली बार ना, ठीक है, किसी को दिक्कत नहीं ना, आप समझो। तो जब यक्स का स्क्वायर ले जाएंगे बेटा तो इसमें मल्टीपल हो जाएगा, तो यक्स का क्यूब हो जाएगा। अब एक बात ध्यान रखना, यक्स का स्क्वायर तो ऊपर ले गए तुम, ठीक है, अपना काम तो बना लिए, लेकिन ये यक्स का स्क्वायर का गुणा फिर इसमें भी हो जाता, दूसरे के पद में इसका मल्टीपल इसमें भी हो जाएगा। तो ये धन है बीच में प्लस, तो ये प्लस ही रहेगा, पाँच यक्स का स्क्वायर हो जाएगा। आप समझना, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये बराबर बराबर है बेटा, ये कट जाएगा, या फिर ऐसे बोलो सबट्रैक होगा तो जीरो आ जाएगा, ठीक है। अब ये माइनस माइनस जुड़ जाएगा बच्चा, तो ये आठ हो जाएगा यक्स का स्क्वायर, ठीक है। लेकिन ध्यान रहे दोनों माइनस में, इसलिए चिन्ह माइनस रहेगा, ऊपर से माइनस का यक्स उतार लोगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना, क्यों भैया, सही है कि नहीं सही है पहले ही बताओ, करके देखो फिर मुझे बताना, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रहा है, का ये ठीक तो जा रहा है शायद, अभी तो ठीक है जा रहा है, जहाँ तक जाएगा ठीक है। क्वेश्चन तो मैंने खुद से बनाया, ये क्वेश्चन कोई क्वेश्चन किताब में नहीं है। हाँ और हाँ एक चीज़ और सुनो, जो बच्चे चैप्टर 7 पढ़ना चाहते हैं त्रिभुज, सुबह 7 बजे चलेगी कक्षा 9 का NCERT गणित, हम फिर ख़त्म कर देंगे अक्टूबर बीतते बीतते, एक बार मैंने उधर ख़त्म किया था, आप लोगों ने कुछ लोगों ने पढ़ा होगा। तो कक्षा 9 का NCERT गणित का आपका जो दूसरा बैच है, सुबह 7 बजे चल रहा है, आप त्रिभुज खत्म हो, सॉरी कल से त्रिभुज शुरू होगा, समझ रहे हो ना। सुबह कौन कौन पढ़ेगा, सुबह 7 बजे से कक्षा 9 का चैप्टर 7 चलेगा। चैप्टर 6 तक मैं पढ़ा चुका हूँ, चैनल पे है, प्ले लिस्ट में जाके देखो। अब चलो इसे समझो, ये माइनस का यक्स यहाँ उतार लेंगे। अब देखो बेटा यहाँ पे हमें माइनस या 8x का स्क्वायर लाना है, तो माइनस लाना है तो पहले तो ऊपर माइनस ले जाओगे, माइनस लाना है तो पहले माइनस ले जाओगे, और यहाँ पे यक्स है, यानी हमें यक्स में किसी भी नंबर से मल्टीपल करके माइनस 8x का स्क्वायर लाना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, माइनस से गुणा करेंगे, तो माइनस आ गया, ठीक है, फिर इसमें 8 भी होना चाहिए, वो भी ठीक है, हाँ माइनस 8x हो गया, लेकिन हमें स्क्वायर लाना है, ये अकेले x है इसलिए इसके साथ x भी लगेगा। हम कह सकते हैं कि ऊपर हम माइनस 8x ले जाएंगे, ये माइनस 8x का स्क्वायर आएगा, ध्यान देना आगे, माइनस और ये प्लस का मल्टीपल माइनस। अब इस माइनस 8x का गुणा बेटा इसमें भी होगा, तो ये चिन्ह प्लस है इसके पहले इसके माइनस, तो प्लस माइनस माइनस होता है, 8×5=40x, दोनों घट जाएंगे, चिन्ह बदल जाएंगे, ये ख़त्म हो जाएगा, ये प्लस माइनस घट के 39x आएगा,
ऊपर अगर आप देख रहे हो, ऊपर अगर आप देख रहे हो तो बेटा ऊपर पांच है, तो पांच यहाँ पे उतार लोगे, ठीक है। ऊपर क्या बचा था, फाइव ना। अब आप यक्ष में किसी से गुणा करो कि 39 यक्ष आ जाए, और मुझे बताओ कितना आएगा। आनंद तिवारी बेटा, सॉरी आनंद त्यागी, आनंद त्यागी, ये सारे चैप्टर वीडियो में पढ़े हैं, चैनल पे जाके देख लो। अगर आपको और बेहतर सुविधा चाहिए तो आप PBR स्टडी एप्लीकेशन डाउनलोड करके उसमें जाके देखो, ठीक है। और बेहतर सुविधा चाहिए, आप PBR स्टडी ऐप डाउनलोड करके उसमें जाके देख लो। अच्छा 60 सेकंड का लगा है मोड, तब ये हाल है। बंद कर दूं क्या? चलो बंद कर दिया, मैं स्लो मोड बंद कर दिया, देखता हूँ क्या करते हो। राजपूत किंग गेमिंग, ठीक है, बहुत अच्छे बेटे, वेरी गुड वेरी गुड, देखते हैं कितना जाएगा। चलो बताओ विक्टर आनंद त्यागी, दोबारा कमेंट ना करना, अपने तो अंदर कर देंगे, अंदर मतलब नीचे चले जाओगे, कमेंट नहीं आएगा। चलो अब देखो, हमें 39 लाना है, 39 लाना है, कितना जाएगा? 39 जाएगा, कितना जाएगा? 39, प्लस में है तो प्लस 39, ये 39 यक्स आएगा। 39 का इसमें गुणा कर दोगे बेटा तो ये हो जाएगा 5 9 45 का 5, हाथी लाया 4 5 15 4 19, ये घट जाएंगे तो ये कट जाएगा, ये प्लस माइनस घट के 190 आएगा, 190 आंसर होगा, क्या होगा? 190 आंसर होगा। जिनको समझ में आया बोलो यस, जिनको ना समझ में आया बोलो नो। फटाफट एक शब्द में बताइए, आया तब बताओ, नहीं आया तब बताओ। जो बच्चा शुरू से जुड़ा था उसे पक्का समझ में आया होगा, जो शुरू से नहीं जुड़ा था उसे थोड़ी दिक्कत होगी।